हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, इंडियन नेवी एमआर एसएसआर और डबल ए के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस की क्विज के साथ, जिसका पार्ट वन है, उसके साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस एग्जाम के साथ साथ जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उस टाइप के मैं करवाने वाला हूँ। ये जो पूरी सीरीज चलेगी ये उसी पे बेस्ड होगी। तो इनको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि नॉर्मल क्वेश्चंस है या फिर ये आएंगे नहीं या फिर ऐसा कुछ। मैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वही करवाने वाला हूं इस सीरीज में, ठीक है। शुरू करेंगे वीडियो को। एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप वीडियो के एंड में अपना जो स्कोर है वो ऑनेस्टली कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना था, यानी कि 15 में कितने क्वेश्चन आपने सही सही खुद से किए थे और कितने आपके गलत थे। साथ ही साथ आप ये भी बताना कि आप कहां से हो, ठीक है। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो आप क्वेश्चन देखोगे, यानी पहला क्वेश्चन आपने देखा तो आप पहले अपना आंसर सोच लेना, उसके बाद देखना कि मैं क्या बताता हूं। अगर आपका सही हो तो उसको एक ऐड करना अपना, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। गाइस, शुरू करेंगे। क्वेश्चंस भी आपके सामने है, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। मतलब एक एक क्वेश्चन को जितना हो सके वो सब कुछ एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा जो चीजें आ सकती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी डैम इज इन विच स्टेट। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी हाइट जो है वो है टोटल 260 मीटर इसकी हाइट है। साथ ही साथ इसकी लेंथ जो है, यानी जो लंबाई है इसकी, वो है टोटल 575 मीटर। 575 मीटर टिहरी डैम की लंबाई है यानी लेंथ है, और हाइट इसकी यानी कि ऊंचाई है 260 मीटर। तो याद रखिएगा, हाइट 260 मीटर है टिहरी बांध की और लेंथ यानी कि लंबाई 575 मीटर है, ठीक है। और ये उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, भारत में बनाई गई पहली चलचित्र कौन सी है। विच इज दी फर्स्ट मूवी मेड इन इंडिया। आलम आरा, पुंडलिक, राजा हरिश्चंद्र और देवदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा हरिश्चंद्र। इज दी फर्स्ट मूवी मेड इन इंडिया, ये पहली मूवी थी जो कि भारत में बनी थी और ये राजा हरिश्चंद्र थी। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। इसके रचनाकार यानी इसको जो बनाया था जिन्होंने, उनका नाम था दादा साहेब फाल्के। आपने सुना होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में, जो कि इसी फिल्म क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो वो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो इन्होंने ये बनाया था मूवी, और ये जो थी ये एक गूंगी फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज नहीं था, ये सिर्फ देख सकते थे, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र आवाज के साथ जो बनी वो आलम आरा थी। जो राजा हरिश्चंद्र थी ये 1913 में यानी 1913 में रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज डेट 1913 थी, और जो आलम आरा थी ये आई थी 1931 यानी 1931 में आलम आरा आई थी, जिसमें की आवाज भी थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ये बिना आवाज की मूवी थी और ये पहली मूवी थी भारत में। 1913 में दादा साहब फाल्के ने इसे बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितनी अवधि तक की हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इमरजेंसी दैट कैन बी डिक्लेयर। 2 month, 6 month, 12 months और नो लिमिट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 month। ये 6 महीने की जो है आपातकाल की अधिकतम नहीं, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अवधि है 6 महीने की। लेकिन अगर आप अधिकतम के लिए कर सकते हैं तो अधिकतम के लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई सीमा नहीं है। इसके लिए 3 years की एक सीमा है, 3 year का एक पीरियड है। इस टाइम तक अधिकतम आपातकाल की घोषणा हो सकती है, लेकिन इसको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा हर 6 month में, यानी कि हर 6 महीने पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी इमरजेंसी लगाएगा उसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विच इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट और माउंट एप्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी लंबाई कितनी है, समुद्र तट जो समुद्र तल है उससे हमारी जो ये माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर
1848 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज रिवोल्यूशनरी वर्ड आर दीज? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस एंड राम बिहारी बोस। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने ये क्रांतिकारी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे सिक्स नंबर, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? हु कैन एक्सटेंड दी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ दी हाई कोर्ट? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मे बी अगर गलत हो तो आप लोग सही जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो संसद है ये कानून बना के और इसके अधिकार को, अधिकार क्षेत्र को बढ़ाती है, इनमें से कोई नहीं, संसद जो है ये बढ़ाती है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को। अभी भारत में वर्तमान में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है, टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें कि तीन सार्वजनिक हैं और टोटल हमारे पास है 24 हाई कोर्ट्स, ठीक है, और इनकी जो अधिकार क्षेत्र है यानी क्षेत्राधिकार जो है उसे संसद कानून बना के इसकी सीमाओं को बढ़ा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेवन नंबर है, भारत में किस राज्य की कुल भूमि के 90% भाग में वन है? 90% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ विच स्टेट इन इंडिया हैज फॉरेस्ट? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश जो है इसके कुल 90% भाग में वन है, यानी कि जो इसका टोटल क्षेत्रफल है उसका 90% क्या है, वन है, ठीक है, वन क्षेत्र है और 10% में ही बाकी चीजें हैं। और एक और चीज बता देता हूं कि ये भारत का नंबर वन राज्य है जिसमें कि सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र हैं, सबसे अधिक वन किसमें है, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आठ नंबर है, लोकसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? Which state has the maximum members in the Lok Sabha, यानी पार्लियामेंट? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा हमारा गाइज इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो भारत का राज्य है इसमें इसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, टोटल 80 मेंबर्स लोकसभा में अकेले उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है। और एक और चीज बोला जाता है कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स जीतता है उसकी ही सरकार केंद्र में बनती है, इतना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है ही है, और साथ ही साथ वहां के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं और वहां पे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नौ नंबर है, सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट? स्वेज नहर, स्वेज कैनल, आसा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अटलांटिक मार्ग, साउथ अटलांटिक रूट और नॉर्थ अटलांटिक रूट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तर अटलांटिक मार्ग, यानी उत्तर अटलांटिक रूट जो है ये सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, व्यापार मार्ग है, ठीक है, विश्व का। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की है? भारत में पूछा जा रहा है, विच प्रोविंस हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और गुजरात। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात। टोटल 1200 किलोमीटर की तटीय रेखा है गुजरात की, और ये सबसे लंबी तटीय रेखा है किसी भी राज्य की भारत में, ठीक है, किसकी, गुजरात की, 1200 किलोमीटर की तटीय रेखा है, याद रखिएगा। आगे 11 नंबर, नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हु वॉज फेमस एज द नाइटिंगल ऑफ इंडिया? विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, नूर जहां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सरोजनी नायडू, ये नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी, इन्हें नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में अगर कुछ और फैक्ट बताऊं आपको, तो इनका जो जब जन्म हुआ था तो जन्म के टाइम पे इनका नाम था सरोजनी चट्टोपाध्याय,
सरोजनी चट्टोपाध्याय नाम था इनका, जन्म के टाइम पे जब इनका जन्म हुआ था उसके बाद इनका नाम सरोजनी नायडू हुआ और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये पहली महिला थी भारत की जो भारत के किसी भी राज्य की गवर्नर बनी थी, यानी राज्यपाल बनी थी। और वो किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल बनी थी किसी भी भारतीय राज्य के, और वो राज्य था उत्तर प्रदेश। आगे 12 नंबर, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट विमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? जिनको ताबेई एन वेनेक्रॉफ, आरती साहा और लिवियन बैनक्रॉफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे जुड़ा है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर, यानी समाज कल्याण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खेलकूद से संबंधित है। द्रोणाचार्य ये अर्जुन के गुरु का नाम था, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसी के नाम पे आधारित है, ये खेलकूद से संबंधित है। और खेलकूद में जो कोचेज अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके द्वारा शिक्षित खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड। अब इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट बताऊं आपको, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में शुरुआत हुई थी। अभी तक टोटल 104 लोगों को मिल चुका है ये अवार्ड 1985 से लेकर के अभी 2020 तक। ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो इसमें जो राशि होती है, यानी प्रत्येक अवार्ड में जो आपको मिलता है उसमें राशि भी आपको मिलती है, तो वो टोटल राशि होती है 5 लाख की, 5 लाख रुपए आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसे भी मिलेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? अमेरिका, इजराइल, भारत यानी इंडिया और चाइना। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी चाइना। इन सभी में सबसे अधिक चाय का उत्पादक है चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ठीक है, ये सभी में, अमेरिका, इजराइल, भारत, चाइना, इन सभी में चाइना अव्वल नंबर पर है चाय के उत्पादन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये तो हो गया विश्व में, अगर हम बात करें भारत में, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चाय का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का चाय का? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे 15 नंबर है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Wildlife Day celebrated? 8 मई, 15 मार्च, 3 मार्च और 12 नवंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ये 15 क्वेश्चंस थे, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। कितना पसंद आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है मुझे। बाकी अगर कोई सजेशन हो आपका, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना, आप कहां से हो ये भी जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज़।